मेरे सभी दोस्तों को जय श्री राम। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 7 भी सामाजिक विज्ञान की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका 2024। जी हाँ दोस्तों, आपकी जो 2024-25 के नए सेशन की जो बुक आई है उसके हम यहाँ पर आज के इस वीडियो में अध्याय 1 जो प्रारंभिक कथन 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल के सभी क्वेश्चंस के हम यहाँ पर देखिए आंसर देखने वाले हैं। तो आइए वीडियो को हम बिना किसी देरी के यहाँ पर शुरू कर लेते हैं। के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इसका प्रश्न एक हमें दिया है, ऊपर दिए गए चित्र सिंचाई के किस प्रौद्योगिकी का है। तो इसका आंसर आपको लिख देना है दोस्तों रेहट, ये इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। प्रश्न 2 है हमारा, पांडुलिपियों को किस स्थान पर रखा जाता है। तो इसका उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अभिलेखागार में। प्रश्न 3 है, मध्य युग में आने वाला हो कहलाता था कोई भी अनजाना व्यक्ति जो उस समाज संस्कृति का ना हो। इसका उत्तर होगा आपका विदेशी। इसके बाद आपका यहाँ पर देखिए प्रश्न 4 है, मध्य युग में बड़े बुजुर्गों की सभा जो अपनी जातियों के नियम बनाती थी और उनका पालन करवाती थी उसे क्या कहा जाता था। उसे जाति पंचायत, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में देखिए प्रश्न 5वां है हमारा, राजपूतों के पराक्रम और स्वामी भक्ति का गुणगान कौन करते थे। तो इसका आंसर होगा आपका कवि और चारण, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न 6 में यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो देखिए पहला है, पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों को रिक्त स्थान में रखा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर पहले आपका आंसर आएगा पुस्तकालयों, फिर आएगा अभिलेखागार। सेकंड है, पर्यावास में परिवर्तन के कारण कई वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा। यहाँ पर देखिए वनवासियों जो है इसका राइट आंसर होगा। थर्ड में राइट आंसर होगा आपका जियाउद्दीन वर्नी, है ना, 14वीं शताब्दी के लिखा था इतिहासकार जियाउद्दीन वर्नी अपना वृत्तांत पहली बार 1356 में लिखे थे। डी है आपका, मध्यकाल में इतिहासकार सूचना एकत्र करने के लिए शिला लेखो स्थापत्य कला तथा यहाँ पर राइट आंसर होगा लिखित सामग्री पर निर्भर रहते थे। ई है, पांडुलिपियों की प्रतिकृति बनाने वाले लिपिक या नकलन विष कहलाते थे। यहाँ पर इसका आपको लिखना है लिपिक और नकलन विष। प्रश्न 7 है दोस्तों, यहाँ पर देखिए मध्यकालीन इतिहास जानने के स्रोत लिखिए। तो इसका उत्तर आपको लिखना है, मध्यकालीन इतिहास जानने के स्रोत सिक्के, शिलालेख, भवन निर्माण कला तथा लिखित सामग्री आदि है। प्रश्न 8वां है, किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और बाहर रहने वाले लोगों की सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन शैली को क्या कहते हैं। तो दोस्तों उसे कहते हैं पर्यावास, ये इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है प्रश्न 9वां, अंग्रेज इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को कितने युगों में बांटा है, उनके नाम लिखिए। तो उत्तर होगा आपका, 19वीं सदी के मध्य अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा है, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, इन 3 युगों में बांटा है। प्रश्न 10वां है, क्षेत्रीय साम्राज्य से क्या आते हैं। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, क्षेत्रीय साम्राज्य से तात्पर्य उस साम्राज्य से है जो अनेक क्षेत्रीय राज्यों को मिलाकर बना हो, जैसे सल्तनत साम्राज्य, मुगल साम्राज्य, चोल साम्राज्य और तुगलक साम्राज्य इत्यादि। प्रश्न 11 है, अभिलेखागार से क्या आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, है ना। तो इसका आंसर आप लिखेंगे, ऐसा स्थान जहां दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है अभिलेखागार कहलाता है। अभिलेखागार में तमाम सरकारी अभिलेख और लेनदेन के ब्यूरो को रिकॉर्ड होता है। प्रश्न 12वां है, पांडुलिपियों के उपयोग में इतिहासकारों के सामने कौन कौन सी समस्याएं आती है। तो लिखेंगे, है ना, निम्न समस्याएं आती है, पहला क्या है, पांडुलिपियों की लिखावट समझने में दिक्कत आती थी। दूसरा, इतिहासकारों को एक ही पांडुलिपि की अनेक प्रतियों को पढ़ना था क्योंकि सभी में काफी अंतर होता था, ना, एक ही पांडुलिपि की बहुत सारी प्रति होती थी तो उसमें पढ़ने में काफी अंतर होता था। प्रश्न 13वां है, 700 से 1750 ईस्वी के बीच आए प्रमुख बदलावों के बारे में लिखिए, है ना, इनके बीच में क्या क्या अंतर आए वो आपको लिखना है। तो देखिए इनके बीच में 700 से 1750 के बीच के 1000 वर्षों में अलग अलग इस समय पर नए प्रौद्योगिकी का विकास हुआ, है ना, नए नए संसाधनों का विकास हुआ, जैसे सिंचाई में रेहट, कताई में चरखा, युद्ध में आग्नेयास्त्रों का प्रयोग शुरू हो गया था। यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आए थे। प्रश्न 14 हमारा देखिए,
इतिहासकार समय को केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते थे, कैसे समझाएं? तो दोस्तों इसका आंसर आपको लिख देना है, इतिहासकार समय को केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते, यानी कि केवल घंटों दिनों या वर्षों के बीतने के रूप में ही नहीं देखते हैं। उनका नजरिया है कि समय सामाजिक और आर्थिक है ना, जो समाज में किस तरह बदलाव आ रहा है उसको भी दिखलाता है, उसका टाइम से संबंध नहीं है। यह दिखलाता है कि विचारों और विश्वासों में कितना स्थायित्व रहा है और कितना परिवर्तन आया है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर प्रश्न 15 है, 1318 ईस्वी में कवि अमीर खुसरो द्वारा भाषा के संबंध में क्या विचार व्यक्त किए गए थे? तो देखिए निम्न विचार व्यक्त किए गए थे, देश के हर क्षेत्र की एक अलग भाषा है, जैसे सिंधी, लाहौरी है ना, तो कश्मीरी, गोंडी, अवधी और हिंदी आदि। अमीर खुसरो ने बतलाया कि इन भाषा के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है। यह एक क्या है, प्राचीन भाषा है जिसे केवल ब्राह्मण जानते हैं है ना, जो पंडित होते हुए जानते हैं, आम जनता नहीं। पंडित लोग ही आपको मंत्र सुनाते हैं संस्कृत की है ना, पंडित लोग की संस्कृत पर बहुत ही विशेष पकड़ होती है। अब देखिए इसका लास्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न 16, मध्यकाल में हुए मुख्य धार्मिक परिवर्तनों के बारे में लिखिए। तो देखिए लिखना है आपको निम्न मुख्य धार्मिक परिवर्तन हुए, और ये देखिए आपको सारे पॉइंट आपको लिख देना है, लेकर देखिए इसका उत्तर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा आपको लिख देना है, तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न 17 में देखिए हमारा प्रोजेक्ट कार्य है, तो आइए देखते हैं, आपके ग्राम, शहर अथवा जिले की ऐतिहासिक इमारतों के चित्र एकत्रित कीजिए व उनके बारे में निम्नांकित विवरण लिखिए ना। आपके गांव में कोई प्रसिद्ध इमारत होगी, कोई मंदिर होगा है ना, कोई मूर्ति होगी, तो उसके बारे में आपको जानकारी यहाँ पर देनी है। पहला दिया है इमारत का निर्माण कब हुआ, तो देखिए हम अपने तरीके से यहाँ पर आंसर देने की कोशिश कर रहे हैं है ना, इमारत का निर्माण 3rd सदी ईसा पूर्व में हुआ था। सेकंड, निर्माण किसके द्वारा कराएगा, तो अशोक द्वारा कराएगा था। थर्ड, इमारत के निर्माण में किस प्रकार की सामग्री का उपयोग किया गया, तो देखिए ईंटों और स्थानीय बालू पत्थर का। चौथा, इमारत पर किस प्रकार की चित्रकला की गई है ना, जातक कथाएं यक्षिणियों की चित्रकला की गई है। पांचवा, इमारत का वर्तमान में क्या उपयोग किया जा रहा है, तो इमारत का उपयोग पर्यटन के लिए किया जाता है। तो दोस्तों ये हमारा इस तरह यहाँ पर पार्ट एक यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, तो ये आपका पार्ट एक यहाँ पर कंप्लीट। अब दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पर अध्याय 2, अध्याय 2 का नाम है राजा और